एकदम सहज रूप से हम सब बैठेंगे, एकदम आराम से अपनी उंगलियों को हम आराम से यूं फंसाएंगे और बहुत आराम से गोद में रखेंगे। पैरों को हम आलथी पालथी मार के बैठ सकते हैं, या अगर हम कुर्सी पे या सोफे पे या बेड पे बैठे हैं तो पैरों को आगे फैला के क्रॉस भी कर सकते हैं। ये दो सहज प्रक्रिया से हम जैसे अपने शरीर को तैयार कर लेते हैं, उस ऊर्जा के बहाव को अपने अंदर एक सर्किट की तरह बनाने में, ये सारी तैयारियां क्यों हो रही हैं? अपने आप को ध्यान की ऊर्जा से भरने के लिए। ध्यान, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में ही जाना, अपने आप को जानने की एक यात्रा है। इस शरीर के साथ धरती पे रहते हुए अपने उन्नत तेजोमय रूप को अगर हमने जान लिया, जो बोध हो गया, तो हम मुक्त हैं। उस मुक्त अवस्था में अगर हम जीवन को जी रहे हैं तो वो जीवन बड़ा ही आनंद और सुखमय होता है। फिर इस बात के लिए चिंता नहीं रहती कि मेरे पास क्या है, कितना है, क्यों है, किसी और के पास कितना है, क्या है, क्यों है। एक सहज ही हमारे अपने जो अद्वितीय गुण हैं, वो जैसे जागृत होने लगते हैं। अनंत संभावनाएं हैं हमारे ध्यान से। चलिए सुंदर से ध्यान को हम बहुत ही सहज तरीके, जिसको हम आनापान सति ध्यान कहते हैं, उस तरीके से जुड़ते हैं। बिल्कुल सहज, जैसे हमने उंगलियों को क्रॉस किया, गोद में रखा, पैरों को किया और आराम से आंखें बंद कर लेंगे। आंखें हमारे मन के द्वार हैं। मन का द्वार खुला रहेगा तो विचार आते हैं, जो दिखता है उस तरफ ध्यान जाता है। आंखें बंद तो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो सुंदर सुबह, जैसे सूर्य की उदय होगी, भोर होगा, उस वक्त हम आंतरिक सूर्य के साथ जुड़ते जाएंगे। एकदम शांत होते हुए जुड़ते जाएंगे हम अपने आती जाती सांसों के साथ। इतना सहज है, देखिए आ रही है सांस, बस उसको सहज रूप से अनुभव करते रहना। जा रही है सांस, शुरू शुरू में अगर लगता है ये दिक्कत लग रही है, तो कुछ क्षण के लिए आप यूं भी रख सकते हैं कि सांस आई और सांस गई, और हमें उसकी मुख्य होना है। जैसे ही आपको ये पकड़ में आ जाए, आप आराम से अपनी उंगलियों को फिर से फंसा के आराम से बैठ सकते हैं। एकदम शांत होते जाएंगे और सहज। इतना ही आसान है, देखिए एक मासूम बच्चे की तरह आ रही है सांस। जैसे बच्चों में जब सांस आती है तो हम देखते हैं पेट फूलता है बाहर की तरफ, और जब जाती है तो पीछे की तरफ नीचे आ जाता है। शांति वाली सांस के साथ जुड़ते जाएंगे। कई तरीके से हम
अपने आप को जानने की प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन सबसे सहज है अपनी ऊर्जा को अपनी ध्यान से और बढ़ाना। एकदम सहज तरीके का आनापानसती ध्यान ये संभव अति शीघ्र कर देता है। कोई भी जटिलता ना होने के कारण जैसे एक बच्चा स्वाभाविक रूप से कृष्णमा सहज आत्मबोध से भरा तेजोमय दिखता है, बिल्कुल हम भी वैसे ही सुंदर तेज से भर जाते हैं। कई तरह के संभावनाएं जैसे हमारे लिए खुलने लग जाती हैं। इस सुंदर से प्रक्रिया में आज के समय में आने के लिए जन जन तक पहुंचाने के लिए दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह बद्री जी का, जिन्होंने 30 साल से ऊपर के अथक प्रयास से जन जन तक ये ध्यान पहुंचाया और अब भी अनवरत लगे हैं। दिल से हम उन्हें नमन करेंगे। उन्हीं की चेष्टा को आगे ले जाते हुए आज हम सब इस ध्यान जागृति में जुड़े हैं। हर दिन, हर दिन, हर पल आत्मबोध के साथ और आज तो पूर्णिमा भी है। सुंदरता में अपने आंतरिक सुंदरता को पा लेते हैं। ध्यान सिर्फ आती और जाती सांस के साथ रखेंगे। जैसे जैसे हम बिल्कुल सांस के साथ एक होते हैं तो जो हमारा चित्त है वह वर्तमान इसी क्षण में आ जाता है। नहीं तो चित्त की वृत्ति रहती है या तो वो हमें भूतकाल में यानी कि पास्ट में क्या हुआ उसमें उलझाए रखता है या भविष्य की चिंता में उलझाए रखता है। जो प्रेजेंट जिसको हम कह सकते हैं कि एक अद्भुत सुंदर गिफ्ट है, उसके साथ तो रहने का जैसे उसके पास समय ही नहीं। तो जो सबसे महान योग है ध्यान योग, उससे जुड़ेंगे हम अपने श्वास के साथ, अपने श्वास गुरु के साथ बिल्कुल उसका साथ ले लेंगे। एक क्षण के लिए भी वो ओझल ना हो। आती हुई सांस के साथ जैसे हमारे अंदर वही शांति
शीतलता भरती जा रही है। जाते हुए सांस के साथ एक अद्भुत शांति फैलती जा रही है। महसूस करते चलेंगे हम हर क्षण को, आती हुई सांस और जाती हुई सांस, बिल्कुल शांत और शांत और शांत होते जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होते जाएंगे, बिल्कुल शांत बिल्कुल शांत होते जाएंगे हम और रिलैक्स। आती और जाती सांस के साथ एकदम गहरी शांति, गहरी शांति सिर्फ आती और जाती सांस के साथ। सांस के साथ अंदर आ रही है हमारे विश्व प्राण शक्ति, शांति जाती हुई सांस के साथ सारी मन की जो भी चिंता अगर थोड़ी भी रहती है उसे भी निकाल देते हैं। और शांत और ज्यादा गहरी शांति अंदर तक लेते जा रहे हैं हम। और रिलैक्स और शांत अद्भुत रूप से देखिए शांति अंदर तक भरती जा रही है, जैसे जैसे भोर होने को है बाहर चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो रही है, हमारे अंदर भी एक शांति और आत्मबोध की चहचहाहट जैसे होने को है। अपनी अद्वितीय अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने की जो सुंदरता है वो बाहर निकलने को है। बस ध्यान आती जाती सांस के साथ।
बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे हम पूरी तरह से आती हुई सांस के साथ, एक शीतलता भोर की स्वच्छ शांतिपूर्ण हवा जैसे अंदर आ रही है। आती हुई सांस के साथ अंदर का सारा बासीपन जाता जा रहा है। इतना सुंदर तरीका है हम सबका इस सुंदर भोर का स्वागत करने का, इस सुंदर दिन की शुरुआत की, अंदर के सूर्य को जागृत करके। एकदम शांत, जैसे कि एकदम दूर तक फैले हमारे अनंत चेतना में हमारी ही आत्मबोध का सूर्य जैसे धीरे धीरे जागृत हो रहा हो हमारे आते और जाते सांस के साथ। बिल्कुल शांत ध्यान आती जाती सांस। बिल्कुल शांत होते हुए जो सुंदर सी पवन चल रही है ऊर्जा से धीरे धीरे जैसे सांस के साथ हम अंदर ले रहे हैं, अंदर तक और रिलैक्स शांत होते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते जा रहे हैं। और शांति और गहरी शांति
ध्यान में जब हम और गहरे उतरते जाते हैं, तब हमें तरह तरह की अनुभूतियां होनी शुरू होती हैं। शुरू में ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हाथ या पैर है ही नहीं। हम अपनी चेतना अपने होने पन के साथ जैसे अपने इस विस्तारित रूप की यात्रा में निकल जाते हैं, तो लगता है कि हम कहीं और गए। जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही स्वाभाविक है, इसीलिए बार बार ध्यान सांसों पर लाएंगे। ज्यादा शांति, और गहरी शांति अपने अंदर तक, बिल्कुल रिलैक्स। शांति भरे सुंदर सुबह की तैयारी, गहरी ध्यान से और शांत और ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं हम अपने ही अंदर, अपने श्वास गुरु के साथ। अद्भुत सुंदर एक शांति और शरीर में एक विश्रांति आती जा रही है। ये जो विश्रांति है ये आलस्य से कहीं दूर है। ये जैसे एक सजग आत्मबोध जैसा नोइंगनेस जैसा कंप्लीट अवेयरनेस जैसी, ये कुछ ऐसा जब हमारी नींद पूरी हो चुकी होती है और हमें एक अद्भुत सजगता अंदर आ जाती है। आंखें बंद ही हैं,
पर जैसे अद्भुत आनंद के साथ एक सजगता क्षण, बहुत सारे इतने अच्छे ज्ञान हमारे अंदर उदय होते हैं जो जैसे हमारे जीवन को सुंदरता से भर देते हैं। बेस्ट इंट्यूशन और आइडियाज भी इसी क्षण आते हैं। इसी सुंदर ध्यान में जागृति में हमारा शरीर, उसके प्रत्येक अंग से सुंदर ढंग से काम करते हैं। हमारे शरीर का एक एक अंग अपने आप को पूरी तरह से हील करने के काबिल है। हर सांस के साथ ही विश्व प्राण शक्ति हमारे कण कण को ऊर्जा से भर देती है। इस ऊर्जा को महसूस करते हैं। ध्यान सिर्फ आती और जाती सांसों के साथ एकदम शांत और गहरी रिलैक्सेशन जैसी अद्भुत सुंदर विश्रांति सजगता के साथ गहरी शांति और जो एक अद्भुत आनंद सा लग रहा है उसकी पूरा मजा लेंगे हम। और रिलैक्स होते जाएंगे। भोर की सुंदर दस्तक हमारे अंदर की एक सुंदर जागृति के साथ हम जग रहे हैं अपने अंदर के भोर के साथ, अपने अंदर के सूर्य के प्रकाश के साथ। ध्यान सिर्फ आती और जाती सांसों के साथ
की गहरी शांति है, अपने अंदर की उस सुंदर सी स्थिरता को पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं। इस सुंदर ध्यान तरंग के साथ आती जाती सांस जैसे मंदिर के घंटे जैसे बिल्कुल हमें इसी क्षण में लाते हुए शांति एकदम निश्चल शांति गहरी रिलैक्सेशन अपने अंदर तक ध्यान सिर्फ आती जाती सांस के साथ शांति से आ रहे, ऐसा लग रहा है कि जैसे सांस के साथ अद्भुत रूप से चांदनी की शीतलता और सूर्य का पहला प्रकाश अपने अंदर आती जा रही है। हमारे अंदर की उस सुंदर भोर के साथ जैसे एक हो होती जा रही है। इस सुंदर से शांति को पूरी तरह से अनुभव करेंगे जाती हुई सांस के साथ।
बिल्कुल और ज्यादा जैसे हम शांत हो जा रहे हैं। बिल्कुल और ज्यादा रिलैक्स होते हुए अद्भुत रूप का आनंद जैसे हमारे कण कण में फैलता जा रहा है। प्रक्रिया कितनी सहज खास आती और जाती सांस के साथ होना। आना पान सती और गहरी शांति शांति के साथ मन में जो एक अद्भुत करुणा के प्रेम के भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसे भी शांति से हम ऑब्जर्व करते रहेंगे। अनुभव करते रहेंगे। बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए ध्यान सिर्फ आती जाती सांसों के साथ। बिल्कुल सहज उतना ही प्रभावी हमारे प्यारे से चित्त यानी कि मन कैसे सांस के साथ शांति से मां की गोद में बैठ गया हो। गहरी शांति में बार बार अपना फोकस हम लाते जाएंगे अपने सांसों के साथ और गहरी शांति और गहरी शांति हर सांस के साथ अंदर आती जा रही है।
अपने श्वास गुरु का हाथ हमें थामे रहना है, बिल्कुल शांति के साथ हर सांस के साथ एक हर शांत, जैसे हम दो सांसों के मध्य में बैठे हैं, शांत निस्तब्धता में जहां आती हुई सांस भी दिख रही है, जाती हुई सांस भी दिख रही है, हम निश्चल शांत उन्हें देखते जा रहे हैं। ये कुछ ऐसा जैसे सुंदर अगर जल बह रहा हो तो कैसे हम उसको शांति से देखते हैं, बिल्कुल ऐसा। और ज्यादा जैसे रिलैक्स परम शांति अंदर तक, एक सजगता, एक शांति, एक अद्भुत गहरी शांति की अनुभूति जिसमें पूर्ण सजगता है, पूरे तरह से अपने होनेपन का एहसास, रिलैक्स और रिलैक्स होते जा रहे हैं हम। हमारे अंदर की सजगता और बढ़ती जा रही है और शांति भी। पूरे शरीर में अद्भुत रूप से गहरी शांति है।
इस गहरी शांति आनंद और जागृति में लास्ट के 10 मिनट बिल्कुल रिलैक्स और ज्यादा रिलैक्स रहेंगे हम। अंदर के सुंदर सूर्योदय के साथ जो भी प्रेरणा आ रही है बिल्कुल उसे भी अनुभव करते जाएंगे। और शांति और गहरी रिलैक्सेशन जैसे हमारे कण कण में यही शांति फैल रही हो। जैसे हम हर क्षण अपनी आती और जाती सांस को देख रहे हैं ऐसे ही अनुभव कर सकते हैं कि जैसे पूरे शरीर का एक एक सेल ये भी बिल्कुल इसी क्षण में हमारे आती जाती सांस के साथ एक हो चुका है। इस अनुभूति के साथ ही महसूस कर सकते हैं जैसे पूरा शरीर एक लय के तरह सुंदर संगीत के तरह आती और जाती सांस के साथ एक लयबद्ध तरीके से अपने अंदर ऊर्जा को शांति को भरता ही जा रहा है। इस गहरी शांति को पूरा आनंद लेंगे हम। पूरी तरह से इस ऊर्जा से जैसे हम झंकृत होते जा रहे हैं वाइब्रेट होते जा रहे हैं धीरे धीरे हम इस शांति को अपने हृदय में भर लेंगे।
और रिलैक्स और गहरी शांति, ध्यान सिर्फ आती जाती सांसों पर। जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो है आत्मज्ञान, आत्मबोध। आज हम उसके साथ ही जुड़ते जा रहे हैं इस सहज प्रक्रिया आनापान सति के साथ। जैसे एक फूल को खिलने में अपना ही समय लगता है, बिल्कुल ऐसे ही हम सबका आत्मबोध का अपना ही समय लगता है। और उसके लिए आवश्यक ऊर्जा मिल रही है हमें इस सुंदर आनापान सति ध्यान से। सिर्फ आती और जाती सांसों के साथ एक विश्रांति की पोजीशन, जहां से हम आती और जाती दोनों को देखते जा रहे हैं। अद्भुत शांति और रिलैक्सेशन। बिल्कुल रिलैक्स होते हुए आखिरी के 3 मिनट एकदम गहरी शांति हम अंदर तक महसूस करेंगे। जो भी हमें अंदर तक प्रेरणा आई से अनुभव करेंगे, पूरी तरह से महसूस करेंगे अपने आप को। अपने शरीर के जैसे एक एक अंग में जो एक सुंदर सी एक शांति पहली है उसे अनुभव करेंगे, जुड़ते जाएंगे अपने ही शरीर के साथ पूरी तरह से। जैसे जैसे हम अपने आप को पूरा अनुभव करते जा रहे हैं, अपनी चेतना को वापस महसूस करते चलेंगे। अपने शरीर को, अपने हाथों को, अपने आप को, अपने कमरे को महसूस करेंगे।
अपने अंदर की दिव्य प्रकाश को पूरी तरह से महसूस करते हुए शांति से धन्यवाद करेंगे हम हर एक सांस को, उस सुंदरता को जो बाहर भी है हमारे अंदर भी है। अलाउ करेंगे हमारे दृष्टिकोण को, आज प्रेरित करेंगे अपने आप को कि आज हम हर चीज के अंदर के सुंदरता को देखेंगे। इस सुंदर प्रेरणा के साथ अपने दोनों हाथों के हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे, बिल्कुल शांति के साथ। पांच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। धीरे 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 हथेलियों को हटाते हुए इस सुंदर कृतज्ञता से भरी मुस्कान से अपने दिन का आरंभ करेंगे। आज कितना सुंदर है संभावनाएं चारों तरफ। आज का दिन हर चीज में उस सुंदरता और उसके प्रति कृतज्ञता के साथ बीते हमारा।